वेलकम बैक टू केएस एजुकेशन माय डियर फ्रेंड्स। 24th ऑफ अक्टूबर के ऐसे करंट अफेयर्स के कलेक्शन जो आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये वो कलेक्शन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। और ये जो भी कलेक्शन आपके लिए मैं ला रहा हूँ, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आपका रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स ट्रेनिंग या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल हब को अगर आप फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने रखा है, सरकार किस टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रणाली विकसित कर रही है, और यह टेक्नोलॉजी है फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। और यह किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? यह मिलकर किया जा रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ मिलकर। एजल गिव, हुरन इंडिया, फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदारवादी व्यक्ति के रूप में कौन उभरे हैं, और यह व्यक्ति कौन है? शिव नादर। दो इंफॉर्मेशन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक शिव नादर HCL के संस्थापक हैं और 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है वह है विप्रो के अजीम प्रेम जी, जो कि 4084 करोड़ रुपए देकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय सेना चौथे दौर की आपातकालीन खरीद की तैयारी कर रही है, जो पूरी तरह से घरेलू औद्योगिक उद्योग से होगी, और अगले 7 से 8 वर्षों में भारतीय उद्योग को कितने लाख करोड़ के ऑर्डर दिए जा सकते हैं? भारतीय उद्योग को करीबन 8 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को अनुदान प्रदान करने के लिए कितने राज्यों को 1764 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, और यह क्या है? टोटल कुल 4 राज्यों में है। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता रखना है कितने टोटल रुपए किस किस राज्य को मिला है। जैसे आंध्र प्रदेश को 136 करोड़, छत्तीसगढ़ को 109 करोड़, महाराष्ट्र को 799 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 720 करोड़। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021, जिसमें 150 डेज चैलेंज एक कंपटीशन लाया गया था, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत पहला स्थान किसे मिला है, और यह पहला स्थान मिला है त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश को कंबाइंड रूप से यहां पर पहला स्थान मिला है। अब अगर सवाल आपसे आए कि पहला स्थान के बाद दूसरा स्थान पर कौन है, तो देखिए सवाल आपके लिए नेक्स्ट वही है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021 में जो 150 डेज का चैलेंज है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा, और मध्य प्रदेश का ही दूसरा स्थान रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा स्थान पर कौन है, तो तमिलनाडु आपको बताना है। साजन भनवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया है? यह एक्चुअली स्पेन में हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ग्रीको रोमन पहलवान बने हैं और यह भारतीय पहला है। तो आपको याद रखना है साजन भनवाल। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? और यह मनाया जाता था आपका 24th ऑफ अक्टूबर। हर एक साल अगर देखा जाए तो 24th ऑफ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो कि अक्टूबर के मंथ में है, जो इंपॉर्टेंट डेज है, वो मैंने आपके लिए कलेक्शन करके रखा है। आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। सबसे लेटेस्ट जैसे गरीब उन्मूलन दिवस है 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर है विश्व छात्र दिवस, 15 अक्टूबर को ही महिला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और बालिका दिवस 11 अक्टूबर है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, डाक दिवस है 9 अक्टूबर,
और विश्व सेना का स्थापना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं, तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट डेज है माई थ्रू इस माई डियर फ्रेंड्स, इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपके लिए रखा था, इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें केएस एजुकेशनल को, और शेयर कर दें इसे अपने दोस्तों के साथ। हम लोग मिलते हैं वापस एक अच्छे इंफॉर्मेशन, अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।